अभी हम खड्डा मार्केट आए हुए हैं, यहाँ हमें बसेज में फ्लायर्स बांटने हैं, रक्षा में स्टिकर लगाने हैं और बच्चों में टी शर्ट बांटनी है। लेट्स सी हमें यहाँ रिस्पॉन्स कैसा मिलता है। पाकिस्तान में टेररिज्म की जो एक काफ़ी अर्से से एक लहर चल रही है, यहाँ पर सिटीज़न होने की हैसियत से मैं भी उतना ही इन्फेक्टेड हूँ। मेरे ही मुल्क के लोग, मेरे ही मुल्क के बच्चे, मेरे ही मुल्क के इंसान और लोग मर रहे हैं। हर शख्स अपने अंदर खुद से जान के देखे कि वो क्या कर रहा है। मतलब इसमें मैं किसी को ये नहीं कह सकता कि वो गलत कर रहा है या वो कंट्रोल करे, पहले मुझे खुद को देखना पड़ेगा। जो हम लोग घर जा रहे थे और सदर में बम पड़ गया, हम लोग मस्जिद में बैठे हुए थे, उधर से हम लोग पैदल पैदल घर पे पहुंच गए। 15-20 बंदे भी उसमें मर गए, उन बेचारों को क्या कसूर है जो वो लोग मरते हैं। मेरे को डर लगता है जब इधर खतरा हो जाए, घर चले जाते हैं, सवारी ना मिले भाग के चले जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं घर, उसे का फिक्र होता है बहुत। मुसीबत से निकलने के लिए हम लोगों को खुद अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। किसी भी कम्युनिटी का कुछ भी है उसको आप गलत कहना शुरू करते हैं कि एक बंदे के गलत होने से सब कुछ गलत नहीं होता। पेशावर में वजीरिस्तान वगैरह ये पाकिस्तान का हिस्सा है, कुछ बाहर का नहीं है। जो हम लोग इसको अब्रॉड बना के बैठे हैं जी यहाँ पे हो रहा है, वजीरिस्तान तो कहीं बाहर का हिस्सा है, बाहर का हिस्सा नहीं पाकिस्तान का हिस्सा है। हर बंदे को इंडिविजुअल अपना काम अंजाम देना पड़ेगा, इंडिविजुअल वर्क करना पड़ेगा, इंडिविजुअल वर्क के बगैर कुछ नहीं होने वाला।